shine. It's disconnecting from the source within. There were parts of my core senseless and frozen. Wisdom hidden, locked up in my soul. Oh, now it's the time to realize. अस्सलाम वालेकुम। तो हाज़िर है आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। और आज हम हैं भाई शेंज़न टैलेंट पार्क में, और ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और ये पूरा एरिया आज मैं एक्सप्लोर करूंगा। ये चेक करें, व्यू करें। ये पीछे मेरे स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम है। ये देख रहे हैं, ये फुटबॉल का स्टेडियम है। ये भाई यहाँ की बहुत पॉपुलर इमारत है। और ये व्यू देखें, यहाँ से हम पार्क की तरफ जाएंगे और आज पार्क को एक्सप्लोर करेंगे, सारा चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। ये फुटबॉल स्टेडियम है, इसको अगर आप ऊपर से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टेडियम है यहाँ का। मैं साइकिल देख रहा था लेकिन मुझे साइकिल नहीं मिली। ये देख रहे हो, ये यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ये सारा एरिया हमने कवर करना है आज। देखते हैं क्या क्या है आगे। यहाँ मैं बहुत दिनों से आना चाहता था लेकिन मैं आया नहीं, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत है तो आज मौसम को भी इंजॉय करेंगे और हम ये जगह भी एक्सप्लोर करेंगे कि ये कितनी बड़ी है और कितनी खूबसूरत है। आई थिंक यहाँ सामने से, यहाँ से ऊपर हम जाएँगे, यहाँ से ऊपर जाएँगे स्टेडियम की तरफ। ये सारा जो है भाई ये कमर्शियल इनका एरिया है। और यहाँ पे तकरीबन जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि ये बिल्डिंग है, इसके अंदर भाई आपको बहुत सारे ऑफिसेज इंटरनेशनल, और यहाँ पे वन प्लस का एक स्टोर भी है जो कि बहुत फेमस है इस बिल्डिंग के अंदर। वन प्लस का एक बहुत बड़ा स्टोर है। मैंने आज चाइनीज़ मास्क पहना हुआ है। ये इनका जो न्यू ईयर है चाइनीज़, ये उनमें ये लोग ये पहनते हैं, उनके साइन है इसके ऊपर। लुक एट दिस, क्या व्यू है यार। ये यहाँ का बहुत बड़ा स्टेडियम है फुटबॉल का। अच्छा, यहाँ से वॉक करके भी हम जा सकते हैं। सफाई शुरू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। एक रास्ता इधर मेरे पीछे है, यहाँ से भी जा रहा है टैलेंट पार्क की तरफ, और एक इधर से भी है। इधर से रश नहीं है तो मैं जाऊँगा इस तरफ से। ये अभी जब नाइट यहाँ पे होती है ना नाइट, तो ये बिल्डिंग्स जितनी भी हैं यहाँ पे ड्रोन शो होता है बहुत खूबसूरत, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा क्योंकि मैंने नाइट तक स्टे करना है यहाँ, क्योंकि नाइट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कितनी ग्रीनरी है यार। हम कहते हैं कि इस्लामाबाद ग्रीन है भाई, आपने शेंज़न की ग्रीनरी देख ली ना आपको इस्लामाबाद भूल जाएगा। यहाँ पे एक ऐसी जगह नहीं है जो ग्रीन ना हो। जिस जगह पे भी शेंज़न सिटी में आप जिस जगह भी जाओ ना, सारा ही ग्रीन है, सारा ही ग्रीन है। चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो घर हैं, हर तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। ठीक हो गया, हर तरफ बहुत क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन। इसका डिज़ाइन चेक करें, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बहुत खूबसूरत है। ये देखें, बहुत लाजवाब है। ये एरिया जो है ये सिटी से बहुत दूर है, ये थोड़ा साइड पे आता है। ये जो शेंज़न टैलेंट पार्क है ये बहुत दूर है और बहुत खूबसूरत भी है, और ये सिटी से काफ़ी दूर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इंजॉय करने, बच्चे भी आते हैं, फैमिलीज़ भी आती हैं। और ज़्यादातर मैंने यहाँ पे देखे हैं भाई जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हैं वो यहाँ पे शूटिंग के लिए आते हैं, या वेडिंग की, या उसके अलावा कोई और इस तरह के इवेंट्स हो वो यहाँ पे होते हैं। म्यूज़िक इवेंट्स यहाँ पर होते रहते हैं बहुत सारे, और स्पेशली यहाँ पर ड्रोन शो होता है नाइट में, वो बहुत खूबसूरत होता है। ये रोड चेक करें, कितने क्लीन हैं, कितने क्लीन और साफ़ हैं रोड। ये लिफ्टें इन्होंने बनाई हुई हैं यहाँ पे, ये लिफ्ट देखें,
नीचे से लोग आएं और भाई इजीली वो आ सकें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पे साइकिलें ठहरी हुई हैं, यहाँ से मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर हमारा टूर ख़राब होगा तो हम साइकिलिंग नहीं करेंगे, हम पैदल वॉक करके जाएंगे ताकि हम ठीक तरह से इंजॉय कर सकें। कितना क्लीन है। अच्छा, यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, परिंदे मरिंदे आवाज़ें मार रहे हैं। ऊपर देखें, बच्चे खेल रहे हैं। हम भी ऊपर थोड़ा जाएंगे, देखेंगे ऊपर क्या है। फॉर्म आज कम है क्योंकि आज भाई वर्किंग डे है, तो आज यहाँ पे लोग बड़े कम हैं, उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने आम रूटीन में होते हैं। ये एक गेम खेल रहे हैं। अच्छा, इनसाइड वहाँ सामने इन्होंने अंदर कोई जंगल टाइप का है, लेकिन उधर अंधेरा बहुत होगा तो उधर हम नहीं जाएंगे। ये साइकिलिंग कर रहे हैं, ये स्टैचू बने हुए हैं, इसके पीछे भी कोई हिस्ट्री होगी, ज़रूर कोई हिस्ट्री होगी इसके पीछे। अच्छा, चाइना की जो सबसे मज़े की बात है ना, वो ये है कि यहाँ पे कोई आपको घूरता नहीं है, चाहे आप काले हो, चाहे आप गोरे हो, आप किसी भी नेशनल के हो, किसी भी रीजन के हो, आपका कोई भी मज़हब है, कोई भी आपको देखता नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ फील करते हैं, कोई आपको कुछ भी नहीं कहता कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये यहाँ की बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो कि आपको दूसरी कंट्री में नहीं मिलते। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे अब घूम रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई और शक्ल नहीं दिखेगी, ना पाकिस्तानी, ना इंडियन, ना भाई अमेरिकन, सारे ही चाइनीज़ आपको दिखाई देंगे। कोई और मज़हब का, कोई और कैटेगरी का बंदा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। जैसे अब देखो, मैं इधर घूम रहा हूँ, वाहिद मैं ही हूँ पाकिस्तानी, और कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये देखो, ये बैठने की जगहें बनाई हुई हैं। अच्छा, नीचे क्या है, नीचे ये स्टैचू भी बना हुआ है, पता नहीं ये कौन है और कौन नहीं, इनका हमें पता नहीं है, पर है कोई चाइनीज ही। नीचे लोग बैठे हुए हैं, ये कोई पिक्चर बना रहे, कोई क्या कर रहा है। ये आ रही हैं, ये देखो, ये मेरी कज़नें हैं। अच्छा, हमने कहाँ जाना है, यहाँ से भी रास्ता है लेकिन इस तरफ बहुत बड़ा है ना, ये उस तरफ भी जा रहा है, बहुत बड़ा है, ये वहाँ तक, वहाँ भी है, इस साइड पे भी है। तो मैं जाऊँगा ब्रिज की साइड, मुझे वो ब्रिज देखना है, वो बड़ा ख़ूबसूरत है, तो मैं उस साइड पे जाऊँगा। यहाँ से नीचे बच्चे खेल रहे हैं, मैं ब्रिज की साइड जाऊँगा क्योंकि मुझे ब्रिज देखना है। ये जॉगिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे, मच्चे जॉगिंग के लिए, तो मैं भी आना चाहूँगा लेकिन मेरे घर से ये काफ़ी दूर है। ये बैठने की जगह बड़ी ख़ूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे। अच्छा, पानी वानी भी है, पानी का सिस्टम भी है, पानी वानी पीना है भाई लगा हुआ है, कावे के लिए भी सिस्टम लगा हुआ है कि आपको ग्रीन टी चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाती है। ये अभी नाइट में ना इसका व्यू चेंज हो जाता है, नाइट में ये भाई और ही लेवल पे आ जाता है। और ये चेक करें कि ये कितना क्लीन है, कहीं पे आपको कोई गंद दिखाई नहीं देगा। जैसे हमारे पाकिस्तानी अल्लाह माफ़ करे जाते हैं और हर जगह पे गंद फैला देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना नसवार, ना सिरगट, ना कोई शापर मापर, जो चीज़ खाई डस्टबिन तक पहुँचाई, तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। यहाँ पे लोग हर एक चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। ये जो अंदर है ना, यहाँ पे सारे बर्ड्स हैं, ये नाइट में ये लोग यहाँ पे लाइटिंग शो ऑन करते हैं तो तब विजिबल होता है, फ़िलहाल अभी लेट है टाइम। ये लोग जॉगिंग कर रहे हैं, सानू भी जॉगिंग करनी सी लेकिन असी नहीं कीती सी,
असा ही करे सो जॉगिंग हाले नहीं सादा जेड वीजा लग वे बात ये कौन बना पी है तैयब है तैयब ये तैयब है मेरा कजन बहुत बड़ा ट्रैक बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पे रनिंग के लिए वहाँ पे भी है कुछ इन्होंने ट्रैक बहुत बड़ा बनाया हुआ है ये व्यू चेक करें अभी लाइट ऑन हुई है ना ये देखो ये लाइटें ऑन हो चुकी हैं ये देखो शेंजन टेनेंट पार्क में अभी लाइटिंग यहाँ पे ऑन होने वाली है आहिस्ता आहिस्ता से एक एक चीज़ ऑन होती जाएगी धीरे धीरे से। अच्छा इधर ऊपर भी बहुत सारी जगहें हैं लेकिन उधर मेरे ख्याल से अंधेरा होगा। ये मेरे बिल्कुल सामने ये अली बाबा है ये देख रहे हो ये अली बाबा का स्टोर है भाई ऑफिस है अली बाबा का। ये एक लड़का आ रहा है फोटोग्राफर है और इससे मैं एक तस्वीर बनवाता हूँ अपनी देखते हैं कि किस तरह तस्वीर बनाता है। इसको थोड़ा और क्लोज आने दो मेरे इसको मैं कहता हूँ यार मेरी एक तस्वीर ले ले भाई मेरे थंबनेल के लिए भाई को कहते हैं कि ये मेरी पिक्चर एक ले ले क्योंकि इसको थोड़ी सी इंग्लिश भी आती है तो उम्मीद है कि ये हमारी हेल्प कर देगा काफ़ी हद तक। भाई ने हमारी बहुत मदद की है भाई तस्वीरें बनाने में थैंक यू सो मच ब्रदर वाहन गौ शरंग शिनी। ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है ये यहाँ चलते हैं कि यहाँ क्या है। ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं अच्छा किसी दिन फिर मैं यहाँ आऊँगा लेकिन दिन में फिर यहाँ पे बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे हम शटल मटल खेलेंगे। ये वाला ब्रिज जो है ना ये मुझे देखना था ये बहुत खूबसूरत लगता है ये ब्रिज जो है ना बहुत खूबसूरत लगता है नाइट में। और अभी तकरीबन मेरे ख़्याल से 8 बजे के बाद यहाँ पे ड्रोन शो होगा यहाँ पे हवा में ड्रोन शो होता है डेली डेली रूटीन से। अच्छा मुझे ये बताओ कि किस किस ने ड्रोन शो देखना है अगर देखना है तो मैं अभी आप लोगों के लिए शुरू कर दूँगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने देखना होगा आप पाकिस्तानी लोग आप लोगों ने ड्रोन शो कहाँ देखे हैं तो चलते हैं मैं अभी ड्रोन शो ऑन करता हूँ आपके लिए। ये अभी देखना अच्छा अभी 1 2 3 ये है भाई ड्रोन शो देख रहे हैं ये बर्ड्स ऊपर उड़ रहा है पता नहीं ये मामू कहाँ जाने वाला है लेकिन ये अभी उड़ रहा है धीरे धीरे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। ये यहाँ नीचे देखो ये बगले बैठे हैं बगले हम इनके अंदर से होके जाएंगे ये देखो क्योंकि ये मुझे बहुत जगह पसंद है ये वाली ये देख रहे हो ये देखो भाई मोर बने हुए हैं मोरनी मोरनी है कि मोर है ये अब पता नहीं है लेकिन ये व्यू बड़ा प्यारा है यहाँ का जो व्यू है बड़ा खूबसूरत व्यू है ये देखें। ये कुछ रेस्टोरेंट भी इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं जॉगिंग करो रेस्टोरेंट में जाओ कुछ खाना पीना है भाई सुकून वाली जगह है भाई बहुत ज़्यादा। ये इनका म्यूज़ियम है यहाँ पे इनकी जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइब्रेरी टाइप की। ये देखो ये घोड़े के ऊपर सर जी बैठे हुए हैं लेकिन इनके घोड़े की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये घोड़ा है क्या है। ये है भाई वो शख्स जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है इसको जानते हो ये अली बाबा ये है भाई वो शख्स जो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं देखो ये क्या ठहरा हुआ है भाई मुझे क्यों देख रहा है भाई किसी और को देखी मैनू ना देखी। ये दो मामू पता नहीं क्या कर रहे हैं स्टाइल तो बनाया हुआ है लग ऐसे रह गया अभी एक दूसरे को टोकने वाले बहुत ज़्यादा। आप देखो नाइट में कितना खूबसूरत लग रहा है ये स्केटिंग की जगह है यहाँ पे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं ये लोगो भी बना हुआ है
ये देखो, ये स्केटिंग के लिए जगह बनी हुई है बच्चों के लिए। ये सारी जगह ही स्केटिंग के लिए है। ये आए क्विकली। ये देख रहे हो, ये पेड़ों की सेफ्टी के लिए इन्होंने लगाए हुए हैं। तो सोचो, जहाँ पे पेड़ों की इतनी वैल्यू हो, वहाँ पे इंसान की कितनी वैल्यू होगी। ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि ये पेड़ जो हैं ये टेढ़े बड़े ना हों, ये बिल्कुल स्ट्रेट बड़े हो जाएं। ये इसलिए इन्होंने लगाए हुए हैं। सारे लोग यहाँ पे बैठ के भाई पिक्चर मिक्चर्स ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। ये परफेक्ट जगह है पिक्चरिंग के लिए। म्यूजिक भी चल रहा है भाई और लोग पिक्चरें भी बना रहे हैं, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बिल्कुल लाइट सी बारिश। सारे लोग यहाँ पे तस्वीरें बना रहे हैं क्योंकि यहाँ का व्यू बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे भाई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, स्टारबक्स कॉफी, और ये व्यू है। ये देखें, मॉडल्स आई हुई हैं, मॉडल्स। ये ऊपर देखें, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है और पिक्चरिंग भी हो रही है। यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश, और बारिश ने हमारा पूरा प्रोग्राम ख़राब कर दिया है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम और भी रुकना था, लेकिन बारिश की वजह से अब हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था, अगर वो घूमते तो शायद कल तक हम पूरा ना कर पाते। तो बस अब चलते हैं भाई मेट्रो की तरफ और फिर पहुंचते हैं घर। बहुत तेज़ बारिश, तो यहीं पे करते हैं वीडियो का दी एंड, क्योंकि बारिश हो चुकी है तेज़ और हमें घर पहुंचना होगा टाइम पे। तो यहीं पे हमें इस वीडियो को ख़त्म करना होगा। चलते हैं अपनी डीटी की तरफ।